Assalamualaikum my dear friends, welcome back. I am Professor Amin Dulio. Today we shall discuss gymnosperms. And gymnosperms, seeded plants, means in them is seed present. He spermatophyte into group I. Jaisa gymnosperms chalta. अच्छा तो तुम लोग एक्सप्लेन करिए उन लोग जामे कैरेक्टर साइन ए खास करके तुम जाने के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साइन जो कौन है उनने शार्लेटेड जिके टर्म साइन उनने के एक्सप्लेन में बच्चे हाँ ये जिम्नोस्पर्म्स नेक सीधे प्लांट ये साइन नेक सीधे प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स आए जिम्नोस जिम्नोज आए देने मीनिंग आए नेट एंड स्पर्म्स दी मीनिंग आए सीड तो लफ्ज़न के हिसाब से हिन जी माना है नेट सीडेड प्लांट मीन वो प्लांट जे में सीड खुलेल हो जे उन में फ्रूट न हो जे फ्रूट जो मेसोकार्प आए वो न हो जे असल में जिम्नोस्पर्म्स चला रहे हाँ ना मेन पॉइंट साइन देखे हैं ना हैं ना प्लांट से जो जिके मेन पॉइंट साइन असल तो उन्हें के एक्सप्लेन करा दे आरे दिशा है मोस्ट एडवांस प्लांट्स ये असल में क्या कंपनी है उन्हें में साइलोक्सीडा लाइकोक्सीडा एस्टेनोक्सीडा टेरोक्सीडा होया उन्हें का ही प्लांट्स एडवांस हैं आई पूरी दुनिया में 1/3 जगह प्लांट की पॉपुलेशन आए वो जिम्नोस्पर्म की पॉपुलेशन आए तो ही एडवांस है या एंजियोस्पर्म दुनिया में एक एडवांस प्लांट है ना तो ही आए जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पर मींस पहले में ने मेन पॉइंट ऑफ मोस्ट एडवांस प्लांट्स है सीड इज नेक सीड खुलेला ना मैं कह रही हूं इसमें फ्रूट ना है वो एनर्जी करे तो हिन में नो ओवरी नो फ्रूट फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कैसा राइपन ओवरी के फ्रूट जने और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज डेवलप्ड इन फ्रूट फ्रूट में डेवलप हो गया हिन में ओवरी ना आए फ्रूट ना आए जने करे सीड आए नेक्स्ट आए एंड मेल फीमेल कॉन्स जिन ही मेल एंड फीमेल कॉन्स आए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आए इन द मेन कैरेक्टर आई इंपॉर्टेंट फीचर्स आई जेंजे जेरी ही प्लांट्स या था वजन था ऐ हिनर में स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट हिनर में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आए लाइफ साइकिल आए उन में स्पोरोफाइट जाए डोमिनेंट आ ऐ मोस्ट विजिबल आ लार्ज आ डोमिनेंट आ मोस्ट विजिबल आ ऐ साइज इज आल्सो लार्ज आ ऐ जे गैमेटोफाइट आए less visible small inconspicuous parts है तो these are the main characters of gymnosperm हर ये जो हम देख रहे हैं डॉक्टर वाल करा दे पूरा है फीमेल कौन क्या है मेल कौन हाँ ये जो फीमेल कौन है ये समझो जे लीफ ते रुजन अच्छा उन्हें ही जाना रे मेगा स्पोरोफिल लीफ बियरिंग मेगा स्पोरिंग जाओ यार सो एकड़ो लीफ आए जैसे स्पोरें जा होता है ऐसा होता है कि स्पोरोफिल चलना दे पर लीफ आए जैसे ये सब जो मेगा स्पोर सो जन ऐसा होता है कि शायद ना दे मेगा स्पोरोफिल वही ही जो मेगा स्पोरोफिल उन्हें मानते हैं जो स्पोरें जा आए ऐसा होता है कि शायद ना दे मेगा स्पोरें जा स्पोरें जा मीन दी थे स्पोर सो जन एले स्ट्रक्चर पे अच्छा मेगा स्पोरोफिल चलना दे उन जे अंदर जे काया सामने जे काया मेगा स्पोरेंजिया ए मेगा स्पोरेंजिया में ओव्यूली फीरस एकड़ो स्केल आ देंगे ना ओव्यूल इने के ओव्यूल चलना दे जे में एग ओव्यूम प्रेजेंट होगा द ओव्यूल आए ए सेंट्रल एक्सेस आए ते ही ना मेन पार्ट्स इन फीमेल कोन जा शेकडा मेल कोन हर मेल कोन स्मॉल माइक्रोस्पोरा माना ये जिम्नोस्पर्म्स हैं ना इन्हें में हेटेरोस्पोर था एक आप मेगा स्पोर्स है या माइक्रोस्पोर्स है मेगा स्पोर्स फीमेल इन सब जो रिप्रो
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ फीमेल कोन प्रोड्यूस तो करे ए मेल कोन छादो करे माइक्रोस्कोप माइक्रोस्पोर ते ही जे लीड थी उजे माइक्रोस्पोरोफिल आ जे स्पोरिंग जा आ माइक्रोस्पोरिंग जा आ उन मदे जे स्मॉल स्पोर्स आ हमन माइक्रोस्पोर जदा ने आ पोलिन ग्रेन आ ही उन जी सेंटर एक्सेस आ तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड नेक्स्ट लेक्चर में सा जिम्नोस्पर्म या जो पाइनस प्लांट आए पाइन आए उनकी लाइफ साइकिल की स्टडी करता दे मैं समझा तो यूं तारे लेके समझे बस यू लोग है तो वीडियो को लाइक क्यों कमेंट क्यों शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब क्यों थैंक यू वेरी मच.